Hey everybody, this is Ali Ansari. Make sure to download Hum TV's official app onto your phones to watch your favorite dramas anywhere, anytime. Choti si zindagi. क्या है ये? किन्नू? किन्नू है ये? ये तो किताब है, किन्नू तो मैं खा रही हूँ। बेवकूफ, ये मेरी कोर्स की किताब है और तुम इस पे किन्नू रखे खा रही हो। तो मुझे भूख लग रही थी ना। अच्छा, भूख लगती है तो किन्नू खाते, किताब नहीं। पागल, बदतमीज और जाहिल हो तुम। तो तुम खुद क्या हो? देख रहा हूँ कि दिखने में तो बड़ी मासूम लगती हो तुम, लेकिन असल में बदतमीज और जाहिल हो। देखो, अगर तुमने मुझे कोई भी बुरी बात कही ना, तो क्या कर लोगी? तुम्हें रोने लगूंगी। अच्छा, रोने लगूंगी? तो शाबाश, रो के दिखाओ, दिखाओ रो के। डरता वरता नहीं हूं मैं तुमसे। क्या हुआ, अब रो क्यों नहीं रही हो? मैंने कहा ना तुम्हें, मैं डरता नहीं हूं तुमसे। डरते हो ना, उनको बता दूंगी। क्या क्या बताओगी उन्हें? यही कि मैं जब से आई हूँ तुम मुझे डांट रहे हो और तुम चाहते हो कि मैं रोने लगूं। देखो, अगर तुमने उन्हें एक भी लफ्ज कहा ना तो क्या कर लोगे? खींच के थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। खामोश, खबरदार, जो एक भी आवाज आई तुम्हारी तो। ये लीजिए चाय। चाय की बड़ी तलब हो रही थी सकीना, तुमने बहुत अच्छा किया चाय बना लाई। कल रात तक तो इतनी थकन हो गई थी कि सुबह मेरी आंख ही नहीं खुली कि मस्जिद जाकर जमात में शामिल हो जाता, यहीं पढ़ ली नमाज। जानती हूँ, इसीलिए तो बनाकर लाई हूँ। अच्छा किया, सारे इंतजाम कल बहुत अच्छे तरीके से हो गए और सारे काम हो गए, है ना सकीना? जी, बस मेरा बच्चा खुश नहीं है। सकीना, हो जाएगा, वो भी खुश हो जाएगा। वक्त तो गुजरने दो, वक्त गुजरेगा तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और बहुत खुश हो जाएगा वो। एक तो तुम बहुत जल्दी घबरा जाती हो भाई। क्या करूं, आपकी तरह इतनी खुश फहम नहीं हूं ना। अच्छा छोड़ो इस बात को, अब दुआ करो कि आज वलीमे के सारे इंतजाम एहसन तरीके से मुकम्मल पा जाए। इंशाल्लाह। बच्चे उठ गए हैं? आयशा से कहा है मैंने जाकर देखे, मैं तो आपके लिए चाय बना कर ले आई। अच्छा, बहुत अच्छा किया।
बदतमीज। अरे उर्वा, उठ गए? जी जी आयशा बाजी। कहाँ जा रहे हो? आयशा बाजी मैं वापस जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी, मेरी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। वापस? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आज तुम्हारा वलीमा है और तुम वापस जा रहे हो? आयशा बाजी मेरा जाना लाजमी है। क्यों लाजमी है? अभी कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है, और वो बेचारी अमीना, उसका क्या? बेचारी अमीना। आयशा बाजी कल मैंने यूनिवर्सिटी फोन किया था, मेरे इम्तिहानों की डेट शीट आ गई, अगर आज नहीं गया ना तो इम्तिहान नहीं दे पाऊंगा। तुमने फोन कब किया था यूनिवर्सिटी? किया था ना कल रात को, बारात पे जाने से पहले। आशा बाजी प्लीज प्लीज मुझे जाने दे, अगर अम्मा अब्बा के चक्कर में पड़ा ना तो अपनी मजबूरियों की कहानियां सुना के मुझे रोक देंगे, ये मेरे मुस्तकबिल का सवाल है। प्लीज मुझे जाने दे, आप उन्हें समझा देना, ठीक है? खुदा हाफिज। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सकीना के शादी खैर वाफियत से हो गई। शुक्र आज खैर से वलीमा भी हो जाएगा है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आयशा। ये बताओ तुम्हारे भाई और भाभी ने नाश्ता कर लिया? अब्बा जी वो क्या बात है, क्या हुआ है, कुछ कहना चाह रही हो बताओ बेटा। अब्बा जी वो उर्वा चला गया। हाय अल्लाह, हाय मेरा बच्चा कहाँ चला गया? एक मिनट सकीना, हौसला कर, बताओ आयशा क्या हुआ है, क्या बता कर गया है, पूरी बात बताओ मुझे। अब्बा जी वो शहर चला गया, वो कह रहा था कि उसकी डेट शीट आई है तो उसका जाना जरूरी था। नहीं नहीं, वो गुस्से में गया है, नाराज होकर गया है, असल में वो इस शादी पर राजी नहीं था। उर्वा के अब्बा अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, वो इरफान और जुबैदा क्या कहेंगे? अरे मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, जब लोग उर्वा के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे हम? लोगों को वही जवाब देंगे जो उर्वा आयशा को बता कर गया है। वो वलीमा, वलीमा कैसे होगा? हो जाएगा वलीमा भी इंशाल्लाह। दूल्हा के बगैर? हाँ दूल्हे के बगैर, दूल्हे के बगैर ही वलीमा होगा। आयशा बेटा तुम जाओ अपनी भाभी को देखो, अमीना को, उसे नाश्ता वगैरह करवाओ, ठीक है? जाओ शाबाश। जी अब्बा जी। उर्वा के अब्बा आप तो यूं मुतमईन हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब तो वो चला गया है ना अपनी मर्जी करके सकीना, लेकिन वापस तो आएगा ना इस घर में, फिर देखो मैं कैसे सबके सामने उसके कान खींचता हूं। तो रात को इसके चेहरे पर उदासी देख ली थी और सुबह वही हुआ, चुपचाप किसी को बताए बगैर निकल गया। अभी तो रास्ते में होगा, ट्रेन में, उसे पहुंच जाने दो कराची, फिर देखो मैं फोन करके उसकी वो खबर लेता हूं, वो खबर लेता हूं कि वो भी जिंदगी भर याद रखे। अमीना, अमीना
वालेकुम अस्सलाम। भाई तुम तो बहुत गहरी नींद सो रही हो। बहुत थक गई थी रात को। अमीना उर्वा कहाँ है? पता नहीं। तुम्हें नहीं पता कि उर्वा कहाँ है? तो कुछ कुछ बताकर भी नहीं गया तुम्हें? नहीं। वो चला गया वापस अपनी यूनिवर्सिटी। शुक्र है। वैसे अगर आपको पता था कि वो चला गया है, आप मुझे क्यों पूछ रही थी कि वो कहाँ है? तो क्या तुम खुश हो कि और बात चला गया? और नहीं तो क्या। मुसलसल मुझे डांट रहा था, जाहिल हो, अकल नहीं है, किताब खराब कर दी, पता नहीं क्या क्या। पता है मुझे कभी कोई नहीं डांटता। हाँ अम्मा थोड़ा डांट लेती हैं, लेकिन वो तो अम्मा है ना। उर्वा का डांटना मुझे बहुत बुरा लगा। जब मैं रोने लगी तो ऐसे हाथ रख लिया, बदतमीज कहीं का। ऐसे नहीं कहते। और वो उसका जो मर्जी में आए कहता रहे। अच्छा पागल मेरी बात सुनो गौर से। उर्वा अगर तुम्हें डांटता है या कुछ कहता है तो इसका ये थोड़ी ना मतलब है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तो तुम भी आज मुझसे एक वादा करो कि अगर उर्वा तुम्हें कभी डांटे या कुछ कहे तो तुम अपने अम्मा अब्बा को नहीं बताओगे। जो भी हो वो अपने और उर्वा तक ही रखना। देखो अमीना, उर्वा तुम्हारा शौहर है। अगर वो तुम्हें डांटे या तुमसे नाराज हो तो ये तो तुम्हारा और उसका मसला है ना। हाँ तो ये कि जब तुम्हारे अम्मी अब्बू आएंगे तो तुम उन्हें मत बताना कि उर्वा तुमसे नाराज है, वरना उन्हें दुख होगा। क्यों ना बताऊं? मैं तो बताऊंगी। अम्मा अब्बा को भी तो पता चले कि वो उर्वा को जितना अच्छा समझते ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा तो क्या तुम अपने माँ बाप को दुखी करना चाहती हो? नहीं, लेकिन हाँ तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए ना। तुम तो अच्छी बच्ची हो, बड़ों का कहना मानती हो, है ना? हाँ लेकिन बस तो फिर ठीक है। अपनी आयशा बाजी से एक वादा करो कि तुम अपना और उर्वा का मसला कभी भी किसी को भी नहीं बताओगी। नहीं बताओगी ना? अच्छा नहीं बताऊंगी। शाबाश, ये हुई ना बात। अच्छा बताओ नाश्ते में क्या खाओगी, ऑमलेट या हलवा पूरी मंगवाऊं? हलवा पूरी। भाई वाह, हमारी अमीना को हलवा पूरी बहुत पसंद है। अब्बा हर जुम्मे को लेकर आते थे हमारे लिए। अच्छा मैं अभी तुम्हारे लिए हलवा पूरी मंगवाती हूँ, फिर खूब पेट भर के खाना। हूँ अभी थोड़ा सा दही खा लेना पहले। खा लेता हूँ। अरे अमीना आओ ना, देखो तुम्हारे तायाबू तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। हलवा तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना, आओ बैठो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मीना बेटा, आ गई शाबाश। चले भाई बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। लाओ बेटा लाओ। अच्छा अमीना बेटा, उर्वा को जरा जल्दी में बहुत जरूरी वापस जाना पड़ गया, उसके इम्तिहान शुरू होने वाले हैं ना, इसलिए तो तुम फिक्र ना करना, आ जाएगा वापस। हैं अब मैं तो फिक्र नहीं कर रही। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी बेटी फिक्र नहीं करती, समझदार है ना अमीना है? जी बेटा। अम्मा और अब्बा आएंगे ना? हाँ आएंगे। तो फिर मैं उनके साथ घर चली जाऊंगी वापस। क्यों, तुम्हें हमारे साथ रहना अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं अच्छा तो लगता है, लेकिन वहां पे फारी बोलो बेटा बोलो।
घर अम्मा अब्बा बहुत याद आते हैं। अब तुम्हारी शादी हो गई है, इस घर में दिल लगाओ। अब तुम्हें हलवा बहुत अच्छा लगता है ना, मैं तुम्हें खुद डाल के देती हूँ। हाँ, डाल दो बेटा, नाश्ता शुरू करें, नाश्ता शुरू करें। पेट भर के खाना, ऐसा ना हो कि तुम भूखी रह जाओ। क्या हाल अंकल के यार? ठीक है। ओ शुक्र। लेकिन भाई तेरे बगैर यहां पे किसी के हाल अच्छे नहीं थे, पूछेगा नहीं कौन। क्या बात है, तू तो कुछ बात ही नहीं कर रहा यार। कुछ नहीं, बस सर में दर्द है। और तूने जिसके दिल में दर्द जिगर पैदा किया, उसका क्या? डेट शीट आ गई क्या? कमाल करता है यार तू। मैं तुझसे क्या बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे डेट शीट की बात कर रहे हैं यार, ऐसे थोड़ी होता है। प्लीज सुहेल, मेरे साथ उल्टे सीधे मजाक नहीं किया कर। क्या हो गया यार, तूने क्यों मुंह सड़ाया हुआ है? अब्बा से पिटाई हुई है क्या? मैंने कुछ सवाल पूछा है तुझसे। तो मैंने भी सवाल पूछा तुझसे। तो कभी जिंदगी में संजीदा हो सकता है? और तू संजीदा हो क्यों रहा है मुझे ये बता दे। क्या बात है, मुझे बता। मेरा सर। बहुत प्यारी लग रही हो उर्वा, बहुत बेवकूफ है जो चला गया। तुम्हें देखता तो देखता ही रह जाता। शुक्र है वो यहाँ नहीं है, यहाँ होता तो मुझे डांटता ही रहता। अच्छा बस भी करो ना, तुम देखना एक वक्त आएगा वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, तुमसे बहुत प्यार करेगा और तुम्हें डांटेगा भी नहीं। लगता है अम्मा अब्बा आ गए, मैं देख के आती। अरे सिमल, ये पागल क्या कर रही है? हेलो, उर्वा आ गया? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं, आया कि नहीं आया? जाहिर तो आ गया है, लेकिन अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया। पहले क्यों बुझवा रहे हो, सही से बताओ ना। आ गया है, मगर जो उर्वा यहाँ से गया था ना, वो वाला उर्वा वापस नहीं आया। मतलब रू वही रह गई जिसम हमारे पास आया। मुझे लगा तुमने कल रात में कोई डरावनी फिल्म देखी, पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान उसके अंदर का माजी, उसके जिंदगी में बहते हुए समंदर में तैरती हुई पसली के नीचे छोटा सा नासूर बन जाता है। शट अप। अच्छा शुक्रिया। हेलो, तुम्हें शर्म नहीं आई इस तरह छुप कर जाते हुए यहां से? अब्बा जी मत कहो मुझे अब्बा जी, आपकी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं किया तुमने। गजब खुदा का, एन वलीमे के दिन गायब हो गए तुम। नहीं अब्बा जी, वो दरअसल मेरे इम्तिहान की डेट शीट आ गई है ना। मत झूठ बोलो, मत झूठ बोलो मेरे सामने। कौन सी डेट शीट आई है, मैं जानता हूँ क्यों गए हो यहाँ से तुम, लेकिन एक बात अच्छी तरह सुन लो,
तुम्हारे यहाँ से जाने से मुझे दिल ही दुख हुआ। अब्बा जी मगर हेलो हेलो माशाल्लाह मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। इरफान तुमने देखा अमीना बेटी कितनी खुश है यहाँ पर हैं? हाँ लेकिन उर्वा को अभी जाना नहीं चाहिए था। वलीमे वाले दिन भी कोई जाता है? बात ये है इरफान के उर्वा के इम्तिहान थे बहुत जरूरी इसलिए उसे जाना पड़ गया वरना वो क्यों जाता अगर इम्तिहान ना होते तो रुकता यहाँ पर। एक दिन रुक जाता तो क्या हो जाता भाईजान? सुबैदा तुम तो जानती हो वो पढ़ने वाला बच्चा है एहसास करना चाहिए तुम दोनों को। सुबैदा भाभी जान ठीक कह रही हैं। अम्मा ताई अब्बा कह रहे थे कि मैं आपके साथ अभी घर चलूंगी। तुमने ताई अम्मी से इजाजत ली है? ताई अम्मा मैं चली जाऊं? हाँ बेटा जाओ मैं रुकूंगी तो तुम्हारे अम्मा अब्बा नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं भाभी जान हम क्यों खफा हो जाएंगे अब अमीना आपकी है आप नहीं चाहती तो हम नहीं लेके जाएंगे। नहीं ताया अब्बा समझाए ना अब्बा को मैं चलूंगी अम्मा अम्मा मैं चलूंगी ना मैं चलूंगी अब्बा। अमीना नहीं नहीं इरफान जब तुम दोनों जाओ तो अमीना को साथ ले जाना हम दोनों आएंगे और इसे फिर लेकर आएंगे इस घर को ठीक है। कैसी हुआ जरा? मैं तो ठीक हूँ लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं। तो तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं। बनो मत मैं तुम्हें दो दफा आवाज दी वहां से तुमने दोनों दफा इग्नोर कर दी। वो मैं कुछ सोच रहा था शायद इसीलिए। शायद सोहेल ठीक कह रहा था तुम्हारे बारे में। सोहेल क्या कह रहा था? वो कह रहा था उर्वा बदल गया और अपनी रूह कहीं और छोड़कर आ गया उसका सिर्फ जिस्म है जो हमारी यूनिवर्सिटी में घूम रहा है। सोहेल को तो बस ऐसे ही बकबक करने की आदत है। तुम्हारे अब्बा जी तो ठीक है ना? हाँ अब बेहतर है। मैं तो तुम्हें कह रही थी उन्हें यहाँ ले आओ मेरे अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त। मुझे देर हो रही है फिर मिलेंगे ओके? लेकिन कब? क्या सोचा था मैंने अपने और अजरा के बारे में हमारे मुस्तकबिल के बारे में और अब्बा जी ने सब कुछ खाक में मिला दिया उस बदतमीज अमीना को मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया। अजरा जानता है क्या कह रही थी तेरे बारे में? क्या कह रही थी? कह रही थी कि उर्वा को क्या हो गया है ना कुछ बोलता है ना बात करता है चुपचाप रहता है वो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे इग्नोर कर रहा है। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा ये बात है
हैरत की बात है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। और वो तो फिर लड़की है। ये जो लड़कियां होती है ना मेरे दोस्त, इनकी नजरअंदाज करने की जो हिस होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। तेरे मेरे जैसे शरीफ आदमी बच नहीं सकते इससे। और तू तो जानता है कितना शरीफ आदमी हूं। भाई तू नगमा की एग्जाम्पल ले रहे ना, किस तरह से उसने भरे कैंटीन में मेरा गिरबान पकड़ा सबके सामने। क्यों? क्योंकि मैंने उसको इग्नोर करा। कहां खो गए जनाब? मैं अजरा से दोस्ती खत्म करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरा हाल तेरे जैसा, कि किसी दिन अजरा मेरा गरेबान थाम के खड़ी। अच्छा तो तुम ऐसा कर लोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। क्यों नहीं, इस यू टर्न की वजह जान सकता हूं? अभी भी वजह बताऊं तुझे? बिल्कुल, अभी भी मैं वजह जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये बात जानता हूं जो वजह तुम मुझे बता रहे हो वजह वो नहीं है, वजह कुछ और। हम मुर्दे का चेहरा देख के बता देते हैं दोस्त कि वो किस गम में मरा था। मुझे जल्दी से दे दो खाना, मैंने कल से नहीं खाया खाना, पर भूख लगी भूख लगी भूख लगी भूख। क्यों रूही बानो की तरह ट्रेजेडी क्वीन बनी बैठी हो, क्या बात है? पता तो है क्या बात है। यस। तो तुमने अभी तक उर्वा से बात नहीं की? क्या बात करूं? वो इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है मेरे साथ, पता नहीं क्या मसला हो गया। शायद अपने फादर की बीमारी की वजह से परेशान हो। तुम एक काम क्यों नहीं करती, कोई अच्छा सा मौका देखो, उससे बात करो, उससे पूछो। ये तो मसला यार, मौका नहीं मिल रहा। तुम एक काम करो ना, तुम जाके उससे पूछो ना क्या बात है। जैसे वो मुझे खूब बता देगा कि क्या बात है, वैसे भी वो मुझसे सीधे वो बात ही नहीं करता। सुनील को भी तो कुछ नहीं पता, वो भी मेरी तरह लाइल में। चलो कोई बात नहीं, एक दो दिन में पता लग ही जाएगा। वैसे भी कब तक नजरों से बचा रहेगा? अभी कितने लकीर पे लगेगा? लगा 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 लगा, अब मेरी बारी। चलो अंदर चल के बैठो। शादी हो गई, अकल नाम की चीज नहीं। अरे भाई, शादी कोई अकल की गोली है जो खाते ही आ जाएगी? बच्ची है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी सब। हाँ आप बस यही कहते रहे, सीख जाएगी। मुझे तो फिक्र लगी हुई है कोई ज्यादती ना हो जाए इसके साथ। अरे मेरे भाई के घर गई है, गैरों के घर नहीं गई। हाँ मगर ससुराल वाले तो ऐसे नहीं सोचते ना, शादी के बाद वो इसे बच्ची नहीं बहू समझते हैं, जिसे हर तरह का सलीका और तरीका आता हो। मुझे तो वैसे ही सकीना भाभी के तेवर ठीक नहीं लग रहे, देखा नहीं था कैसे बोल रही थी? एक तो ज्यादती भी उन्होंने की और आंखें भी मुझे दिखा रही है। वलीमे वाले दिन दुलाई गायब,
अच्छा तुम खामखा के वहम मत पालो, उर्वा अभी पढ़ रहा है, उसे यूनिवर्सिटी जाना पड़ गया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप तो यही बोलेंगे, भतीजा जो रहा आपका, आपको तो उसकी कोई बात गलत नहीं लगेगी। अमीना चलो अंदर जाओ, तैयारी करो। अम्मी अभी तो बारी आई है मेरी। बस एक बार, एक बार। भाभी आइए ना, आइए, खड़े क्यों हो गए, अंदर आइए। कैसे हैं आप? आ जाए आ जाए, मुझे बैठे ना। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक बेटा, चाय तो बनाओ। मैंने कितनी दफा समझाया था कि अपना हुलिया ठीक कर लो, लेकिन मजा लेके तुम मेरी बात सुनो। क्या सोचेंगे तुम्हारे ताई अम्मा और ताई अब्बू? क्या सोचेंगे? यही कि हमारी बहू बेवकूफ है, अपनी बहन के साथ उछल कूद रही है, वो भी बगैर दुपट्टे के। लेकिन वो आए क्यों है यहाँ? तुम्हें लेने आए अमीना। मगर क्यों मम्मी? क्योंकि तुम्हारी शादी हो गई है और तुम अब उनकी बहू हो। खुदा के वास्ते अमीना, ये बचपना छोड़ दो, अपने ससुराल में तमीज से रहना, ये बगैर दुपट्टे के बिल्कुल ना घूमना, सर पे दुपट्टा लेकर रखना, समझी? तो मैं नहीं जाऊंगी माँ, मुझे बहुत डर लगता है। किससे डर लगता है? वो जब तुम्हारे अम्मी अब्बू आएंगे तो तुम उन्हें मत बताना कि उर्वा तुमसे नाराज है, वरना उन्हें दुख होगा। किसी ने कुछ कहा? नहीं नहीं नहीं। उर्वा का फोन आ गया था? हाँ आया था फोन। कैसे हो रहे हैं उसके इम्तिहान? ठीक हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। तुम सुनाओ इरफान, तुम्हारी तबीयत अब कैसी रहती है? अब तो अल्लाह का शुक्र है भाई साहब, हर दूसरे दिन वॉक पर जाता हूँ, डॉक्टर से शुगर चेक कराता हूँ। शाबाश, बहुत अच्छा। तबीयत तो बेहतर होनी हुई, बीमारी हमारे पल्ले जो बांधती है। अब एक दिन आप यहीं ठहर जाइएगा, कल सुबह चले जाइएगा अमीना को लेकर। अरे नहीं नहीं इरफान, मुमकिन होता तो जरूर रुक जाते, लेकिन तुम्हें मालूम है बच्चियां घर पे अकेली हैं। आयशा को हम जबरदस्ती छोड़ कर आए हैं उसके पास, अब वो भी अपने घर जाना चाहती है, तो तुम अमीना को हमारे साथ कर दो ताकि हम दिन ही दिन में पहुँच जाए घर। जैसे आपकी मर्जी, वैसे भी अमीना तो अब आपकी है। उर्वा तो आएगा ना छुट्टियों में घर? हाँ हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा, और कहाँ जाएगा भला। तो फिर उसे कहिएगा अमीना को लेके हमारे घर भी आए। आएगा, जरूर आएगा, मैं कहूंगा उससे। जुबैदा कहाँ है? वो शायद अमीना का सामान बांध रही है, फिर उन्हें चाय वगैरह भी देखनी है, मैं देख कर आता हूँ। बैठो, आ जाएगी। भाईजान आप बैठे, मैं आया बस। अच्छा आप भी? अरे भाई लेकर तो जाना है ना उसे। बताओ ना
सबसे, भाई अम्मा से भी और वो। और अम्मी छोड़े ना, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नहीं जाऊं, मैं आपके साथ यहीं रहूं। नहीं ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मुझे नहीं जाना उनके साथ अम्मी। फिजूल बातें मत करो अम्मी ना, अब जल्दी करो, मुझे जाके चाय भी बनानी है। तैयारी होगी जी भाभी? हो गई। सुबैता जल्दी कर लो, हमें आज निकलना भी है। भाभी इतनी जल्दी क्या है, एक रात रुक जाते आप लोग। नहीं सुबैता, रुकने का तो वक्त ही नहीं है, ये बच्चियां घर में अकेली हैं। आयशा ने भी तो ससुराल वापस जाना है ना। आयशा बाजी जा रही है? हाँ। छोटी सी